स्वागत है आप सबका दोस्तों कॉफी विद। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडिया। तो दोस्तों मैं इंडिया आ चुका हूँ और ये मेरे सबसे खास, सबसे क्लोज, एकदम अंदर दोस्त है, ठीक है। तो भाई बहुत दिनों बाद बैठे थे साथ और एक क्वेश्चन जो सबका था कि भाई आपने कनाडा छोड़ दिया क्या, कनाडा आ नहीं रहे क्या, कनाडा से परमानेंट बाय बाय कर दिया क्या। तो भाई एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी कॉफ़ी पीते पीते इन भाई साहब ने भी पूछ लिया। पूछना बनता है ना भाई, सबके सब पूछ रहे, मैं पूछ लिया भाई, क्यों आ गया भाई। तो भाई फिर जब दोस्तों ने भी पूछ लिया तो डेट मीन्स बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो भाई आज ना तुमको मैं पूरा सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बार बार तो कर नहीं सकते, एक ही बार करते हो, तू भी सुन ले, सुना दे भाई, बाकी भी सुन लेंगे। तो भाई देखो, कनाडा छोड़ने के ना बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे, लिस्ट बनाने बैठूँ ना तो शायद रात हो जाए, ठीक है, पर थोड़े बहुत बता देता हूँ मैं। सबसे पहली बात तो ये बता दूँ कि परमानेंट नहीं छोड़ा मैंने, कि जाने का प्लानिंग कितने साल है, मतलब अभी नहीं है, जब वो कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे देंगे तो हाँ तब तो बनता है भाई, मेरे को भी ले चलिए भाई, मेरे को भी ले चलिए पैसे हैं। तो भाई आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा सारे के सारे वो रीज़न कि क्यों नहीं जाना है कनाडा और क्यों मैं आया हूँ कनाडा से। तुझे क्या लगता है क्यों आया हूँगा यार? वहाँ पे मेरे को जो लगता है ना, वहाँ पे ना ये जो दिहाड़ी वाला सिस्टम है ना, वो बहुत गलत लगता है मेरे को, क्योंकि उसमें क्या है 12 घंटे काम करना पड़ता है और उसमें तो पैसे चल मिलते तो मिलते हैं, और आजकल जहाँ तक मुझे सुनने में है ना कि कनाडा में अब जॉब्स भी नहीं है इतनी। भाई बिल्कुल सही लगता है तुझे, देखा जाए तो मेन मोटिव तो पैसा कमाना ही होता है। हाँ मेन मोटिव पैसा कमाना होता है सबका, लेकिन बस भाई वही नहीं कमा पा रहे हैं वहाँ पे, है ना। मेन मुद्दा ये है कि पैसा नहीं कमा पा रहे हैं वहाँ पे। दूसरा जो सबसे खतरनाक मुद्दा है ना, वो है भाई क्राइम। भाई अभी 2-4 दिन पहले ही किसी को गोली मार दी। अच्छा हाँ, न्यूज में भी आया था, गोली मार दी। और दूसरी बात, वहाँ पे अगर तू घर से बाहर निकल रहा है ना, तू सेफ नहीं है, तुझे कोई भी ठोक सकता है। जैसे यहाँ तो क्या है, तू फोन मिला सकता है, लड़के बुला सकता है, हेलो भाई लड़ाई हो गई, अच्छा दोस्ती यारी तो होती है। ये वाला सीन वहाँ नहीं, वहाँ कोई आएगा भी नहीं, और जो आएगा वो भी फंसेगा। क्योंकि एक केस बताता हूँ, एक बंदा था वो अपने स्टोर में काम कर रहा था। अब जितने ये बंदे जाते हैं यहाँ से स्टोर्स में काम करते हैं, वैसे ही वहाँ पे ना कि पेट्रोल पंप होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक स्टोर टाइप का खोल देते हैं, तो उसमें ही वो कन्वीनियंस स्टोर बोलते हैं उसको, ठीक है। वहाँ काम कर रहा था, एक बंदा आया चोरी करने के लिए, वो बेसबॉल का डंडा लेके, बेसबॉल के डंडे से उसने उसको मारा और उसने वो डंडा लेके उसकी लथेड़ दिया, सेल्फ डिफेंस में उसने बचाया कि भाई चोरी ना हो पाए। पर भाई उसको हो गई 14 साल की जेल उस बंदे को, वो बंदा इंडियन ही है अपना देसी, ठीक है। तो वहाँ भाई एक तो जो लोग कहते हैं ना कि यार कनाडा ना कि भाई मल्टी कल्चर वाला वो है, हर देश के लोग मिल जाएंगे वो पर भाई तो जितनी वहाँ पे वो होती है ना स्लैगिंग बोल ले, वहाँ पे ना इंडियंस को ऐसे ही माना जाएगा कि भाई तुम ना वर्कर ही हो। तो भाई अगर तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि यार नहीं यार कनाडा अच्छी कंट्री है, सबकी रिस्पेक्ट करती है, ये करती है, वो करती है, तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, लाइव केसेस देखे हुए हैं मैंने अपनी आंखों से कि कैसे सामने ही सामने तुम्हारी आंखों के सामने पार्शियलिटी होगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चुपचाप बैठे रहोगे, सिर्फ देखोगे कि यार क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इतनी दूर बैठ के तो बंदा कुछ नहीं कर सकता ना। वहाँ पे भैंस का कोई अपना है नहीं, पहली बात तो दिक्कत ये है सबसे बड़ी। नहीं सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं कि कोई अपना है नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत है कि अपने तो हैं वहाँ पे, लेकिन साले वही गोरों से ज़्यादा ना हरामी बंद तो वो कर जाते कई बार। तो भाई क्योंकि जो इंडियंस वहाँ पे लगता है, मेरे को मैं तो गया नहीं कनाडा, पर मुझे लगता है कि बाहर जाने के बाद है वो ना अपने को भाई बंद ना देख के अपने को कंपटीशन देखते हैं, तगड़ा दिक्कत यहाँ आ जाती है। कंपटीशन भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत तगड़ा कंपटीशन। वो कंपटीशन तो चल एक साइड है, दूसरी बात तुझे वहाँ पे ना जेलसी फैक्टर एक नई चीज आती है कि तू अगर कुछ कर रहा है ना तो तेरी तरक्की से ना तेरा साथ वाला जलेगा, तेरा रूममेट हुआ, तेरा हाउसमेट हुआ। तूने अगर किसी को कुछ बताया कि यार जैसे अब तू मैं हूँ, मान ले आज की डेट में मैं यहाँ पे कुछ अचीव करता हूँ, जैसे इंडिया में मैंने तुझे बोला यार ओपी आज तो मतलब तेरे भाई ने इतने रुपए कमाए और मान ले कोई प्रमोशन आ गई मेरे पास, मैंने तुझे बता दिया कि यार इतने पैसे आ रहे हैं, तो तू प्राउड फील करेगा उस चीज पे। मैं प्राउड पता नहीं, पर मैं तो बोला चल थोड़े फूक के आते हैं खाने पीने उड़ा दे, मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है, खाने पी चल थोड़ा खा भी के आते, सेलिब्रेट तो करना बनता है भाई। कुछ मतलब मान ले यार, चलिए तो पैसों की बात हो गई, कोई कहीं अच्छी जगह जॉब लग गई, ठीक है कुछ हो गया,
तो बंदा होता है ना कि ये बोलेगा कि यार मेरे दोस्त की जॉब लग गई, ये हो गया वो हो गया ना, खुश होता है अगले को लेके, पर वहाँ बहन जो बंदे टैंक्स हो जाते भाई, टोटके कर देते भाई टोटके। चल मेरे को एक चीज बता, एक सवाल पूछता हूँ तेरे से। ठीक है भाई बताओ। मैं से पूछ रहा हूँ, अब तू वहाँ पे गया, तू भी पैसा कमाने गया था, हाँ। तू कितने पैसे छाप के आया? मेरा ऐसा ही था कि 2 महीने मैंने ढूंढा, देखा, किया, हट के हाथ में आ गई, ठीक है। फिर सोचा कि भाई खुद से कुछ करना है, तो ये सब चालू किया, जनता आई, प्यार मिला, यूट्यूब पे भी मिला, इंस्टाग्राम पे भी मिला, फिर भाई फिर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। जैसे जो आम जनता जो वहाँ पे स्ट्रगल कर रही है ना, वो वाला स्ट्रगल मैं नहीं कह सकता कि भाई मैंने कोई स्ट्रगल किया है, कुछ भी स्ट्रगल स्ट्रगल दिहाड़ी वाला स्ट्रगल की बात कर रहे हो तू? भाई मैं कह रहा हूँ ना कि स्ट्रगल वो नहीं होता कि केवल दिहाड़ी लगानी है, जॉब करना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज में प्रोफेसर तुझे कैसा मिलेगा कैसा नहीं ये तू नहीं जानता, तेरे दिमाग में ये भी प्रेशर है कि तुझे कॉलेज जाके जो तूने इंडिया में लोन लिया है या अपने पापा से पैसे लिए हैं या तेरे पापा ने किसी से उधार पैसे लेके तुझे पढ़ने के लिए भेजा है तो तुझे वो भी चुकाना है, ठीक है। तेरे सर पे 10 रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं और उनमें से सोच तेरे को जॉब नहीं मिल रही। नहीं वो तो समझ गया तेरी बात, पर एक साथ में वो भी तो होता है ना कि तुम्हारा स्टूडेंट वीजा होता है तो तुम पर्टिकुलर आर्ट से काम कर सकते हो, तो एक लिमिटेशन हो जाती है। 40 घंटे कर सकते हैं, कहने को पैसे तो कई बनेंगे, कहने को कर सकते हैं, पर ये मान ले कि सब ज्यादा ही करते हैं, ठीक है, इलीगल इलीगल तरीके से ही करते हैं पर करते हैं, ठीक है, पैसा कमा लेते हैं, बट जॉब लगनी भी तो चाहिए। आज की डेट में देख, मैं वहाँ पे 4 सेमेस्टर था मेरे, 4 सेमेस्टर हुए, ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट होने वाले थे, मैंने 3 सेमेस्टर तो आते हुए देखे नए, ठीक है, 3 इनटेक, तो उनके अंदर क्या बच्चे मैसेज कर रहे हैं, भैया जॉब दिला दो, भैया घर दिला दो, कईयों पे घर नहीं है, कईयों को भाई मैंने वापस भेजा है कि जाओ भाई, तो भाई ये तो वाली बात है ना, अब ये तो है नहीं कि भाई चल घूमने चलते 4 दोस्त साथ लेके, कनाडा जा रहा तो भाई 4 दोस्त थोड़ी साथ लेके जाएगा, तो अकेले ही जा पाएगा, मुश्किल है जाने भाई। कई लोग नहीं झेल पाते भाई, जो जैसे जो फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलेंगे ना भाई, उनके लिए तो यही है कि तुम बहुत सोच समझ के निकलना। और अब तो खैर कनाडा ने खुद ने कैप लगा दी यार, अब वो ना स्टडी वाले ले रहे हैं ना वर्क परमिट दे रहे हैं, वर्क परमिट जैसे मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिल रहा है और देख मैं कैसे बैठ के बर्बाद कर रहा हूँ। अरे तो जॉब नहीं है ना, मुद्दा ये है ना, तो जाके भी वहाँ पे क्या ही करेगा? अब जॉब करनी भी नहीं है भाई मेरे को तो मेरा सीन है ना, मैं वो तुझे बता रहा हूँ कि मुझे तो जॉब करनी ही नहीं है, छोड़। मैंने बीटेक कर ली, मैंने यहाँ से SRM कॉलेज से बीटेक कर ली, मान ले कॉलेज अच्छा था, प्राइवेट कॉलेज था, बढ़िया कॉलेज है, नामी कॉलेज, बढ़िया पैसे दे के बीटेक की, वहाँ गया कैनेडा, वहाँ जाके भी पढ़ लिया जो पढ़ना था, ठीक है, IT का कोर्स, वेब डेवलपर, ठीक है, बट आज के डेट में रेज्यूमे नहीं बनाया अभी तक जॉब ले लूँ, ठीक है। तो ठीक है भाई जॉब नहीं करना, मेरी वो बात अलग है, बट एक बेसिक जो चीज़ है ना, जैसे कि मेरी अब मेरे थ्रू मान ले और भी लोग जाएंगे मेरे को देख के कि ये भैया गए थे, इन्होंने इतनी तरक्की की है। जैसे कई लोग क्या होता है बेफालतू का वो करते हैं मोटिवेट किस सेंस में कि मान ले जैसे कि तू है, तूने कोई तरक्की की तो जरूरी थोड़ा ना भाई वही तरक्की मैं भी कर लूँ। सबका अपना अपना सबकी अपनी डेस्टिनी है, सबकी अलग मेहनत है, ठीक है। हाँ मोटिवेट करना होता है कि भाई अगर फेलियर आ रहा है तो तू यस तुझे कोई मोटिवेट करेगा कि भाई कर तू होगा, पर ये नहीं हो सकता ना कि तू अपनी लाइफ से किसी और की लाइफ रिलेट कर रहा है कि नहीं भाई आजा कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, सब सबकी मेंटेलिटी अलग होती है, सब अलग सोचते हैं और सबका भाई लाइफ जीने का तरीका भी अलग है। ये सब देख के ही ना मैंने जैसे कि ये चैनल मान ले वहाँ जाके चालू किया। जैसे अपन इतनी दूर से सोचते हैं ना कि यार हर बंदा सोचता है यार, लोगों के ड्रीम होते हैं, किसी का वीजा लगता है कोई रोने पड़ते हैं भाई, रोने लग जाते हैं कि ओ वीजा लग गया, बाहर जाना ओ भाई वो जमीन के वो किस्तों पर जमीन ले लेते हैं कि वहाँ जाके किस्त भर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर सीन यही होता है कि भाई तुम जाओगे वहाँ मेहनत कर, देख सब ऐसा नहीं है कि सब फेल हो जाते हैं, बट आज की डेट में 70% जनता तो फेल हो रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि कामयाब हुई है जो मेंटल प्रेशर झेल ले, जो फिजिकल प्रेशर झेल ले, जिसको ये ना हो कि भाई मेरी लाइफ खत्म हो रही है, मैं जी नहीं रहा, सिर्फ पैसे कमाने से मतलब हो, वो वहाँ पे सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल वहाँ पे देख कह सकता है कि ये मेंटली ज़्यादा वो होता है बंदा एग्जॉस्ट ना, घर वाले एक तो ये चिक रहती है हाउसमेट्स की, ऐसे करो वैसे करो, आज तुम्हारा ये कल तुम्हारा, भगवान के साथ तेरे तो बढ़िया थे आउटमेट सभी जिनके साथ रह रहा है, तो मेरे तो सब मेरे साथ तो देख ऐसा कुछ गलत हुआ ही नहीं, मैं थोड़ा बहुत गलत हुआ ठीक है, बट ठीक है कि टाइम के साथ एक वो होता है ना कि
जिंदगी में जो चीज सीखनी होती है वो भगवान सिखाता है, ठीक है, वो तो सीख ली मैंने, ठीक है। लेकिन एक वो कहते हैं ना कि भाई जैसे मैं औरों को देखता हूँ अपनी लाइफ से, किसी और की लाइफ रिलेट करता हूँ कि यार ये कितना कर रहा है मेहनत। जैसे मैं मेरे घर में था तो मैं अब मेरा काम क्या है, वीडियोस का, ठीक है, अब टोटली काम मेरा वीडियोस का हो गया है। तो मैं यूट्यूब पे तो कम ध्यान देता था क्योंकि जनता को पता है मेरे मतलब 5-6 महीने से व्लॉग्स नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, हर चीज़ ज़्यादा होती है, तो मेरे व्लॉग्स भी भाई कम आने लग गए थे। बट बोलता था मैंने बीच बीच में कि यार नहीं लाऊंगा, फिर से लाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, और गोली देके भाग जाता था। ओ चूना लगा दिया। पर इंस्टाग्राम पे जैसे वीडियोस डालनी होती है, शॉर्ट्स वीडियोस, उसमें मेहनत कम लगती है। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इंस्टाग्राम रखता था और बताता था भाई, जैसे वहाँ मैंने जाके ना हेल्प करना सीखा बहुत ज़्यादा। हेल्प किस तरह की? जैसे मान ले मैं गया, मैंने देखा कि यार ये रियलिटी है, ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं क्विट कर दूँ तुरंत, मैं घर आता मेरे घर वाले कुछ नहीं बोलते, इतनी बोल ही देते ना, इतनी गारंटी। मेरे घर वाले मुझे जाने के दिन तक बोल रहे थे कि देखो नहीं जाना तो मत जा, तो अपनी बीच में बात होती थी तो बताते थे कि पापा बोल रहे कि नहीं हो रहा तो आ जा, कुछ दिक्कत नहीं है मेरे को। वो तो घर वाले चल ठीक है, पर सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती ना भाई, सबका अलग होता है। किसी ने कोई खेत बेच के भेजा होता है, किसी ने कोई जमीन गिरवी रखी होती है, लोन लेके रखा होता है, किसी का गोल्ड लोन चल रहा होता है, किसी का पता नहीं क्या चल रहा होता है। लेकिन वहाँ जाके जब मैंने देखा ना कि यार वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, जो चीज़ बताई जा रही थी, जो चीज़ इमेजिन करवाते ना लोग वहाँ से कि गाड़ी ले ली है, मस्टैंग निकाल ली है, कार घुमा रहे हैं, दोस्तों को वैसो स्नैप पे भेज रहे हैं, भाई पैसे कमा लो या फिर ये सब कर लो, एक ही चीज़ हो सकती है। ये सब देख के मैंने स्टार्ट किया कि यार नहीं, जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ ना, डेट मीन्स यहाँ पे आधी से ज़्यादा जनता वो चीज़ फेस कर रही है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि नहीं मैं इसकी यूट्यूब के थ्रू चलेंगे अपन बनाएंगे। फिर धीरे धीरे यूट्यूब चालू किया, इंस्टाग्राम चालू किया, अर्निंग भी मेरी यहीं सबसे हुई, जहाँ मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया ना, जैसे यूट्यूब पे किया, इंस्टाग्राम पे किया, तो अर्निंग इन लोगों की भाई लोगों ने अप्रिशिएट किया उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कि भाई बढ़िया कर रहे हो, करो करो करो। तो अप्रिशिएशन से, एफर्ट से काम बढ़िया हो गया एकदम। तो मेरे को कोई वो लेने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई आप कि मैंने मेहनत की ना, भाई मेहनत वहाँ पे लोग कर रहे हैं और वो भी भयंकर वाली, जिसको कहते हैं ना भयंकर। पर देखा जाए तो बस तेरे यही मेन रीजन है कनाडा से भाई आने मेरे कनाडा से आने का ये था कि मेरा मन भर गया था भाई, टोटली बता रहा हूँ। रिवर्स इमिग्रेशन क्यों की मैंने, ये मेरे से सब पूछते थे। जैसे जब मैंने स्टोरी डाली कि यार मैं जा रहा हूँ वापस, मैंने अपनी टिकट की फोटो डाली कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, तुरंत सबके मैसेज ये आ रहे कि भाई भाई वापस नहीं आओगे भाई सब कुछ हो गए भाई वापस नहीं आएगा भाई, हम भी आ रहे हैं भाई, सच बताना नहीं आओगे ना ये मतलब। पर मैंने किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि भाई बात ये है कि हम वहाँ पे हैं एक अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी 5-10 लाख रुपए मुझे महीने के मिल रहे हैं कहीं से, कोई मैं 10 बार जाऊंगा, कोई भी जाएगा। बट मैं सोचूं कि यार जितनी मेरी अर्निंग वहाँ हो रही है उतनी मेरी अर्निंग यहाँ हो रही है, तो मैं क्यों रहूं भाई वहाँ पे। तो जैसे तूने मेरे को ये सारी बातें बताई मेरे को कि वहाँ पे क्या क्या चोरियाँ हो रही है, जॉब्स वगैरह नहीं है, कोई इसके अलावा भी तेरे पास कोई रीज़न हो जिसकी वजह से तू कनाडा छोड़ के जयपुर आया हो? भैया भाई यार प्यार मोहब्बत तो मैं करता नहीं हूँ किसी से, ठीक है, हम पे तो है ही ना, घर वालों से करता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत जितना भी करता हूँ। तो कहीं ना कहीं दिमाग में यार ये भी रहता है ना कि यार चलते हैं अब घर ही, ठीक है, कि ठीक है थोड़ा कम में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि कम में इन द सेंस जितना मैं वहाँ करूँगा उतना मैं यहाँ करूँगा, हो जाएगा, ज़्यादा मिलेगा तो देखी जाएगी, तब तो बात ही अलग है ना भाई। भाई देख क्योंकि बिना पैसों के भी कुछ नहीं होना, बात तो है, बिना पैसों के भी कुछ नहीं होना, तो अपन पैसों को ना निगलेक्ट नहीं कर सकते कि यार नहीं बिना पैसों के भी चल जाएगा काम, ना 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 कभी ना, नहीं चल सकता, कभी नहीं चल लगा। और कुछ एक डिसेंट अमाउंट तो किसी को चाहिए होता ही है कि भाई इतना तो चाहिए ही चाहिए, इतना तो चाहिए। तो वही है कि भाई मेन मुद्दा तो देख पैसा हुआ, दूसरा मुद्दा हो गया कि क्राइम, क्योंकि मेरे को डर था कोई मुझे ना ठोक दे, मैं भाई अपनी सेफ्टी पहले लेके चलता हूँ, बाद में पैसा चलो तो सेकेंडरी चीज हो जाएगी, कोई ठोक देगा तो फिर भाई कहाँ से कमाऊंगा, ठीक है। और तीसरी बात भाई जो कल्चर इन्वायरमेंट, जैसे मैंने तो बताया कि लोग भैंस की, मैंने एक लोग में मैं कनाडा गया मुझे 2 साल ऑलमोस्ट हो गए, जिनको भी मैं जानता था और या फिर मान ले जिनको मैं पहले से जानता हूँ, ठीक है, या मेरे कुछ ज़्यादा ही क्लोज हों, वहाँ पे 2 साल के अंदर अंदर मैं एक बंदा, जिस दिन मैं वापस कनाडा आया ना, मैं चल हाउसमेट्स अलग बात हो गई, हाउसमेट जिनके साथ आप रह रहे हो, उनके अलावा कोई भी बंदा, एक बंदा ऐसा नहीं होगा ना कि जिसको मैं ऐसे बोल दूंगा कि यार नहीं भाई ये मेरा क्लोज है,
क्लोज वन है, कल को मेरे को कुछ होगा वहाँ, मैं इतनी दूर हूँ, कोई बात हो जाए, मैं बीमार पड़ जाऊँ, मेरे साथ कुछ हो जाए, तो मैं उस बंदे को, उस बंदे से हेल्प ले लूँगा, नहीं ले सकता भाई। कैनेडा अगर तेरे बगल में भी कोई रहता हो ना, जैसे मान ले ये सामने तेरे रिश्तेदार का घर है, तेरे नोन का घर है, तो उसके घर के बाहर खड़ा है, तेरी किसी से कोई बातचीत हो गई, किसी से कोई तेरा पंगा पड़ गया, तू फ़ोन करेगा हाँ अंकल बाहर आ जाओ, मैटर हो गया मेरा, तो बोलेगा बेटा लीगल मैटर में मैं नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी उनकी खुद की वो हो जाएगी कि यार मेरी पीआर अटक जाएगी, मैं वहाँ पे परमानेंट नहीं हो पाऊँगा, मेरे मेरी सिटीजनशिप अटक जाएगी, अबे घंटे की अटक जाएगी, सामने गांड पट्टी पड़ी है अगले की, बचाना नहीं है, अटक जाएगी अटक जाएगी, तो ये सब सीन होते। और मैंने तो भाई केसेस बड़े देखे हैं वहाँ पे, ठीक है। हाँ तू बता नहीं रहा था, एक केस बता रहा था, तगड़े तगड़े केसेस देखे हैं भाई मैंने, जैसे कि लोग स्पाउस वीजा पे जाते हैं अपने ये पंजाब या फिर ये उस साइड से, पहले जाते थे, अब तो कैप लग गई, अब तो बंद हो गया। अभी ठीक है, अब एक स्टेटमेंट मैं बोलूं जिससे मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी। कौन सी? वही कि एक सीन तो बता रहा था भाई, वो हर सीन बताने वाले नहीं होते ना यार, हर सीन तो बता देगा वो डर जाएंगे, फिर कोई जाएगा नहीं, समझा? तो बट यही है भाई, ओवरऑल मेरे को पसंद नहीं आया, ठीक है, जनता को आए दुनिया को आए अच्छी बात है, और मैं वहाँ पे अगर जाऊँगा भी दोबारा तो सिर्फ इसलिए जाऊँगा जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आई डोंट गिव अ शिट। कनाडा को मैं कुछ भी नहीं समझता भाई, जिनका जाना है, जिन्होंने बचपन से सपना देखा उनका दिल मत तोड़ कम से कम उनको, बट भाई जिनको जाना है ना, तुम थोड़े स्ट्रांग हो, मेंटली ज्यादा हो, बड़े तुम गमार हो, पढ़ाई लिखाई तुम्हें नहीं आती, कोई बात नहीं, तुम मुझसे कॉन्टेक्ट करो, मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए कहीं भी जाना हो ना, तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम्हारे भाई ने इतने सोर्स तो वहाँ पे बना लिए हैं कि तुम्हें कहीं ना कहीं जुगाड़ करवा देगा, तुम्हारा जॉब से रिलेटेड हो गया या फिर तुम्हारे रहने से रिलेटेड हो गया, तुमको कुछ भी ए टू जेड कोई काम हो ना तुम्हें बाहर का, वो तो तुम्हारा भाई सेट करा देगा, इतना तो बना लिए, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहीं तक का सफ़र था इसका मेरा और तुम सबका, बाकी भाई अपने ब्लॉग्स आते रहेंगे, और अगर तुम्हें और भी कुछ इंक्वायरी कुछ जानना है डिटेल में, भाई क्यों कर दिया रिवर्स इमिग्रेशन, तो भाई उसके लिए तो मुझे कमेंट कर देना इंस्टाग्राम दिख रहा होगा मेरा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, तुम्हारा भाई एज यूजुअल 24/7 अवेलेबल रहता है, ठीक है, तो कुछ भी चाहिए होगा तो करवा देंगे, ठीक है भाई, और मिलते हैं भाई अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए तुम भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं यहाँ इस जगह बैठा बैठा मतलब इंडिया में तुम सबके लिए ब्लॉग्स लाता रहूं, और पीछे जैसे भैया मुझे देख रहे हैं, क्या पता इनसे भी अभी सब्सक्राइब करवा लूं, ठीक है, तो तुम भी कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।